टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला किया है। सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनते ही सारे मुद्दे खत्म हो गए। राठौर की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने सचिन पायलट पर पलटवार किया है। कहा है कि गहलोत पायलट के बीच हुई अपमान की राजनीति। राठौर ने कहा कि इस बार टोंक से शून्य पार कांग्रेस आउट हो जाएगी। तो युवाओं के छालों की कसम खाने वाले पायलट चुप क्यों हो गए, ये सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। बता दें सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाने के बाद सचिन पायलट पर राठौड़ की ओर से ये बड़ा हमला किया गया है। सुनिए के अंदर इस बार मैं कह सकता हूं, मेरा अनुभव कह सकता है कि जिस प्रकार मिनी मुख्यमंत्री बनकर लोगों ने लूटा है और जिस प्रकार टोंक जिला मुख्यालय के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी की के साथ अपमान की राजनीति हुई है, इन सारों का नतीजा निकलेगा कि इस बार शून्य पर कांग्रेस पार्टी यहां से आउट होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सारी सीटों पर जीतेगी। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में टिकट पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस वॉर रूम 15 जीआरजी में एक बैठक होने वाली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ ही ये बैठक होने वाली है। सर्वे रिपोर्ट और पैनल तैयार करने सहित कई बिंदुओं पर मंथन किया जाना है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं, जहां पर रंधावा को आप देख पा रहे हैं। तीनों सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। टिकट किन्हें दिया जाए, इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि पहले ही कांग्रेस की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। और एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, बैठक खत्म हो चुकी है। खास मुद्दे पर मंथन किया गया है कि आखिर कौन वो लोग हैं, कौन से वो उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट दिया जाए। और विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से दावेदारों का चयन भी तेज कर दिया गया। अजमेर शहर में बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस बार इस किले को ढहाने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कैंडिडेट के चयन प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया गया, जिससे कि मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जा सके। कांग्रेस की ओर से दक्षिण विधानसभा के बाद अब उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बायोडेटा लिए जा रहे हैं, जिससे कि उनके स्थानीय स्तर पर चयन कर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें भेजा जा सके। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सचिव और अजमेर उत्तर विधानसभा के प्रभारी मुकुल गोयल द्वारा ये आवेदन लिए जा रहे हैं। अजमेर शहर के वर्तमान अध्यक्ष विजय जैन की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने बायोडेटा मुकुल गोयल को सौंप दिए हैं। मुकुल गोयल के अनुसार 20 से अधिक बायोडेटा अब तक मिल चुके हैं, जिनके चयन की प्रक्रिया करते हुए उन्हें प्रदेश नेतृत्व को सपोर्ट किया जाएगा। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में आज फिर से ज्वाइनिंग की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के 19 नेताओं ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ये ज्वाइनिंग कराई। सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व आईएएस हनुमान सिंह, धनेश्वर आहारी, माताराम रिणवा, कमल राठौर, रिटायर्ड अधिकारी भंवरलाल नवल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लगातार ज्वाइनिंग कराई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी पार्टी से जुड़ सके, उनमें शामिल हो सके। इस खास मकसद से लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बीजेपी की ओर से एक और ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया गया, जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे भी मौजूद रहे। कईयों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।